मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था। आखिर अक्षय कुमार के लगातार फोर्ब्स 100 की लिस्ट में बने रहने के पीछे का क्या है वजह? क्या वजह है कि बॉलीवुड के बड़े सितारे भी नहीं है उसके आसपास? अक्षय कुमार और नूपुर सैनन के गाने फिलहाल ने बनाया ये रिकॉर्ड। कैसे मनाया इस खुशी का जश्न? नूपुर सैनन को क्या तोहफा मिला उनके जन्मदिन पर? उन्होंने क्या कहा कि उससे बेहतर कोई और तोहफा हो नहीं सकता? फिल्म सूर्यवंशी से जुड़े नई अपडेट के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। अक्षय कुमार ने एक साल में लगभग 4 फिल्में बनाने का रिकॉर्ड तो बना ही दिया है, लेकिन और भी कई रिकॉर्ड हैं जो बॉलीवुड में खुद बनाए हैं, जैसे कि सबसे हिट एक्टर और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक्टर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अक्षय कुमार ही क्यों? बॉलीवुड में और भी बड़े काफी एक्टर्स हैं जो उनके बराबर हैं, उनसे ज्यादा फीस चार्ज भी करते हैं, लेकिन उनका ही नाम फोर्ब्स के टॉप 100 रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में क्यों आता है? आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह। आपको बता दें, इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो भारत के इकलौते सेलिब्रिटी हैं, और ये पहली बार नहीं है जब उनको नाम इस लिस्ट में आया है। वो पहले भी साल 2019 में इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। पिछली बार उन्होंने 33वें नंबर पर जगह बनाई थी और इस बार वो 52वें नंबर पर है। आपको भी ये लग रहा होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के होते हुए भी उन्होंने कैसे इस लिस्ट में जगह बनाई। आइए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। इससे सबसे पहले इसकी वजह यह है कि उनके साल में लगभग 4 फिल्में तो रिलीज होती ही हैं, जो किसी भी एक्टर की नहीं होती। साल 2019 में किसी एक्टर की कोई हिट फिल्म भी नहीं आई थी, और लॉकडाउन के समय जब सबका काम बिल्कुल बंद हो गया था, उस हालात में काफी तेजी से अक्षय कुमार ने अपना प्रोजेक्ट संभाले और उस पर जल्दी जल्दी काम भी किया, जबकि सारे एक्टर्स अपने प्रोजेक्ट ही चुनने में व्यस्त थे। इसकी दूसरी वजह यह है कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, अक्षय कुमार उन सब की पहली पसंद है। उनको एक साल में काफी सारे एड्स और के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तीसरी वजह है कि उनके बिजनेस की स्ट्रेटजी काफी अलग है। वो काफी प्लानिंग करके सारा काम करते हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ उनके प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी खासी कमाई हो। यही वजह है कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। वो सिर्फ एक्टिंग और एडवर्टाइजमेंट से ही नहीं, बिल्कुल वो फिल्म प्रोड्यूसर्स करके भी पैसे कमाते हैं। ये सारी बातें वो उनके बाकी अभिनेता से अलग करती हैं, और उनको काम के प्रति जो डेडिकेशन और उसकी वजह से वो फोर्ब्स की लिस्ट में लगातार बने हुए हैं। जब बात रिकॉर्ड की हो रही है तो आपको बता दें कि एक और रिकॉर्ड है जो अक्षय कुमार ने अपने नाम कर लिया है। अभी कुछ समय पहले उनका एक एल्बम सॉन्ग आया था जिसका नाम फिलहाल था, और वो इस गाने में नूपुर सैनन के साथ नजर आए थे। इस गाने ने YouTube पर 90 करोड़ के व्यू का रिकॉर्ड पार कर दिया है। किसी भी वीडियो का ये रिकॉर्ड बनाना काफी बड़ी बात होती है। जब से ये गाना रिलीज हुआ है तब से ही ये गाना काफी पॉपुलर हुआ, और इतने समय बाद भी इस गाने को काफी अच्छा क्रेज बना हुआ है। इस गाने की चर्चा इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो इस गाने का दूसरा भाग भी जल्दी रिलीज होने वाला है। अभी नूपुर सैनन और अक्षय कुमार दूसरे गाने की शूटिंग पूरी कर रहे हैं जिसका नाम फिलहाल 2 है, और इस सेट पर नूपुर सैनन ने अपना जन्मदिन भी बनाया। अभिनेत्री ने सेट पर भी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अक्षय कुमार, एमी विर्क और जानी भी हैं। तस्वीर शेयर करते हुए नूपुर ने लिखा कि ये उनका फिलहाल जन्मदिन था जिसमें वो काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो काफी खुश हैं और इससे बेहतर उनका जन्मदिन हो ही नहीं सकता। अक्षय कुमार की बात करें तो वो पूरे स्पीड से काम करने में लगे हुए हैं। कभी भी गाने की शूटिंग, कभी भी एड की शूटिंग, कभी फिल्मों की शूटिंग, कभी फिलहाल बेल बॉटम, बच्चन पांडे, राम सेतु पर काम करें। उनकी फिल्म सूर्यवंशी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके लिए निर्देशक और फिल्म के एक्टर्स रिलीज की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखते हैं इसकी तारीख कब तक सामने आती है। फैंस इस फिल्म की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उससे सबसे खास बात यह है कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ 10 साल बाद साथ काम करने आ रहे हैं। आप इस फिल्म के लिए कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।